गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी सेकेंड पार्ट और फर्स्ट आज का हमारा वर्ड है ब्रायोलॉजी ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स सिंपल वे में बोले तो स्टडी ऑफ मोसेज एंड लाइव मॉसेस मोसेज मतलब काई काई के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं ना वो सब ब्रायोलॉजी के अंदर आता है ठीक है और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है फ़ादर ऑफ ब्रायोलॉजी है जॉन हेडविक ठीक है आपको सबसे लास्ट में सबके कमेंट करके बताने हैं कि कौन किसके फ़ादर है ठीक है फादर ऑफ़ ब्रायोलॉजी फादर ऑफ़ बायोमेट्रिक्स फादर ऑफ़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ओके चलिए अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक किससे रिलेटेड है बायोमेट्रिक है स्टेटिस्टिकल एनालाइजिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाटा ठीक है बायोलॉजिकल डाटा जो भी जिसे हो उसे कहते हैं बायोमेट्रिक्स ये इसकी एक इम्पोर्टेंट टर्म है अब फादर ऑफ बायोमेट्रिक्स कौन है फादर ऑफ बायोमेट्रिक्स है एल्फोंसो बैटिलोन ठीक है अगला नेक्स्ट है हमारा थर्ड बायो इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायो अप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मेन ठीक है ध्यान से दीजिए ध्यान दीजिए स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मेन एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिम ठीक है आर्टिफिशियल लिम आप जानते हो किसी का कृत्रिम हाथ या पैर ठीक है आयरन लंग और पेस मेकर ये सब किसके अंदर आते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर अब जल्दी से कमेंट करके बताइए फादर ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कौन है आपको कमेंट करके बताना है फादर ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है फ्रेंड्स ओटो स्मिथ ओके चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं हम अब नेक्स्ट फोर्थ है हमारा बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बायो कंसर्न विथ टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैन्युपलेशन और मोलिकुलर लेवल ओके इसका मतलब ये होता है टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैन्युपलेशन और मोलिकुलर लेवल अब आप मुझे कमेंट करके बताइए फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है कैरलियो ठीक है ओके नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी अब कमेंट करके बताइए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है ये तो आप सब जानते होंगे लुइस पेचर ओके लुइस पेचर अगला है हमारा सिक्स साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल सेल के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं साइटोलॉजी के अंदर और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है रोबोट हुक्स ओके रोबोट हुक्स अगला सेवंथ है हमारा क्रायो बायोलॉजी क्रायो बायोलॉजी क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन ओके जैसे स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है लो टेम्परेचर पे उन सब ऑर्गेनिज्म पे और उन सब को कैसे हम बचा के रख सकते हैं उनका प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं क्रायो के अंदर ओके अब मुझे कमेंट करके बताइए फादर ऑफ क्रायो कौन है वो है बीजे ल्यूट ओके आपको लास्ट में सबके कमेंट करने हैं फादर ऑफ किस 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 के है ओके नेक्स्ट है हमारा एर्थ क्लोन ये सबसे इंटरेस्टिंग लगता होगा आपको क्लोन ठीक है क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए फादर ऑफ क्लोन कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ये आपको खुद कमेंट करके बताना है ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट हार्ट के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो कार्डियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और फादर ऑफ़ कार्डियोलॉजी कौन है थॉमस लीस और अगला हमारा टेंथ है डेमोग्राफी डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो भी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ता है वो डेमोग्राफी के अंदर पढ़ता है और इसका फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है जॉन ग्रॉन्ट ओके ये हमारे आज के टेन इम्पोर्टेंट टर्म्स हो गए बायोलॉजी के अंदर अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच